मुझे ना प्यार बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए जब भी कोई मुझसे थोड़ी सी भी प्यार से पेश आता है ना, मैं उस पर अपना सारा प्यार लुटाने की कोशिश करता हूँ। और शायद इसीलिए मुझे एंड में हर्ट होना पड़ता है। कभी कोई ऐसा लाइफ में आया है जो ये सवाल छोड़कर चला गया हो कि ये क्यों ही आया था जिंदगी में? चलो आज अपनी एक कहानी भी शेयर कर ही देता हूँ। कुछ टाइम पहले ना मेरी इंस्टाग्राम चलाने की बहुत बुरी आदत हो गई थी बीच में। मैं मतलब स्क्रॉल करता रहता था, और मुझे कोई भी कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो मैं उसको अप्रिशिएट कर देता हूँ कि हाँ बहुत अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत पसंद आई, कीप अप द गुड वर्क। क्योंकि मुझे लगता है जो भी जेन्युइनली कंटेंट क्रिएट कर रहा है ना, उसको अप्रिशिएट कर देना चाहिए। क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता रहता हूँ, जब कोई मुझसे आके बोलता है कि आपने बहुत अच्छा किया, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। तो एक दिन ऐसी शाम में मैं घर पर बैठा हुआ था, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरी प्रोफाइल पर एक वीडियो आई, मुझे बहुत अच्छी सी लगी, बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी। तो मैं उसकी प्रोफाइल पे गया, रिया नाम था उसका, उस टाइम पे उसके कुछ 2200 फॉलोअर्स होंगे। मैंने फिर उसकी प्रोफाइल स्टॉक करी थोड़ी बहुत, मुझे अच्छी लगी उसकी वीडियोस, काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रखी थी उसने। तो मैंने उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसको DM किया कि हाय रिया, जस्ट सॉ योर प्रोफाइल, अमेजिंग कॉन्टेंट। 3-4 घंटे बाद मेरे उस मैसेज का रिप्लाई आता है, थैंक यू सो मच, के साथ साथ 3 रेड हार्ट्स बनाए हुए थे। मैंने एक स्माइली बनाया और बात खत्म। पर फिर 2 दिन के बाद रिया का मेरे पास मैसेज आता है, हाय, वो भी हाय में डबल आए। मैंने भी हे लिखकर भेज दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, हाउ आर यू? आज तक मैंने जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रिशिएट किया था, तो हमारी थैंक यू सो मच के बाद बात नहीं हुई थी, पर ये रिया पहली थी जो हाउ आर यू तक पहुंची थी। तो फिर हमारी ना बातें होने लगी। तो उसने मुझे बताया कि वो पुणे में रहती है और अभी आर्किटेक्चर पढ़ रही है। बातों से बातें निकलती गई, वो रुकी नहीं रही थी, टेक्स्ट पे टेक्स्ट करे जा रही थी। मैं अभी इरिटेटेड साउंड कर रहा हूँ, पर उस वक्त मुझे भी अच्छा लग रहा था उससे बातें करने में। फिर हमारी बहुत बातें हुई उस रात। फिर अगले दिन से ना वो मुझे मीम्स वगैरह शेयर करने लग गई थी। मीम्स में बड़ी मतलब होता है यार, मीम्स में थोड़ा बातें बढ़ने लगती हैं उससे। तो हमारी ऐसी ना मीम्स के थ्रू बातें होने लग गई, और फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, अचानक वो मुझे ना गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाले मैसेजेस भेजने लग गई। सोने से पहले गुड नाइट, जगने के बाद गुड मॉर्निंग, मैं खुश। और फिर थोड़े दिनों बाद थोड़ी और पागल हो गई। अपनी दिन की जो कभी अपडेट्स होती थी वो सारी मुझे देती रहती थी, फोटोज भेज भेज के। जैसे खाना खा रही है तो आज पनीर की सब्जी बनी है, उसकी फोटो भेज दी। असाइनमेंट कर रही है तो अपने असाइनमेंट की फोटो। और यहां बैठा मैं ये सोचता रहता था, ये नहाती नहीं है क्या, बस उसी की अपडेट नहीं मिलती। हम सच में रात रात भर बातें करते रहते थे, और तब मुझे समझ में आई बातों की ताकत। बातों में बहुत पावर होती है। मतलब बातों ही बातों में तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम सामने वाले से कब अटैच हो चुके हो। और इस बात का मुझे एहसास हुआ जब मेरे एक मैसेज का 11 घंटे बाद रिप्लाई आया। मैं बेचैन सा होने लग गया था। मैं 11 घंटे में उससे 25 घंटे की बातें कर लेता था, और उसको कोई जवाब ही नहीं। पर फिर जब 11 घंटे के बाद उसका रिप्लाई आया, तो उसने लिखा, सॉरी लेट रिप्लाई के लिए, वो मैं कहीं बिजी थी। अगर कोई लड़की तुम्हें लेट रिप्लाई के लिए सॉरी बोल रही है ना, तो उसे एंजल घोषित कर दो। मेरा दिल ले गई वो उसी टाइम। फिर हमारी टेक्स्ट से बातें कॉल पे हुई, कॉल से वीडियो कॉल हुआ। अच्छी थी वो, प्यारी थी। मुझे हमेशा पुणे आने के लिए कहती रहती थी, और मैं उसे डेली बुलाता रहता था, पर ना वो कभी डेली आई, ना मैं कभी पुणे गया। हम बस फोन की स्क्रीन के थ्रू मिल रहे थे बस। बिना मिले भी कोई इंसान इतना अच्छा लग सकता है, बिना मिले भी किसी की आदत लग सकती है, ये बस मैंने तब सुना था, अब महसूस भी करने लगा था मैं। बड़ी प्यारी फीलिंग थी वो। रिया और मेरी बातें चली, लाइफ अच्छी चल रही थी, बढ़िया लग रहा था सब कुछ। 6 महीने तक
रिया और मेरी लगातार बातें चली। फिर एक दिन मेरे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं किया उसने। मैंने सोचा बिजी होगी, ठीक है। अगले दिन फिर मैंने मैसेज किया, फिर कोई रिप्लाई नहीं। मतलब सीन भी नहीं कर रही थी और ना ही स्टोरीज और स्टेटसेस डाल रही थी। मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया, मर तो नहीं गई। यही आता है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो पता ही नहीं चलता, तुम मिलने जा नहीं सकते हो। फिर एक हफ्ते बाद उसने कोई अपनी प्रोफाइल पे स्टोरी पोस्ट की, अपनी ही फोटो थी उसकी। तो मैंने उस पे रिप्लाई करके उससे पूछा, यार कहां थी, डरा दिया। रिप्लाई तो छोड़ो, सीन भी नहीं आ रहा था। मैं सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ। अभी इतनी बातें चल रही थी हमारी और रिप्लाई, मतलब सीन भी नहीं हो रहा है। तो फिर ना मैंने अपनी पूरी चैट स्क्रॉल करी ऊपर तक कि मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, शायद कुछ गलत कह दिया होगा, पर मुझे कुछ ऐसा दिखा ही नहीं। मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, कॉल्स कर रहा हूँ, पर कोई जवाब ही नहीं आ रहा। मैं सोच में पड़ गया, मतलब ऐसे कौन बात बंद करता है यार बिना किसी रीजन के। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि बिना किसी रीजन के किसी ने बात ही बंद कर दी हो। एक हाथ दिखा मुझे, अब दिख रहे हैं सारे हाथ। बिना किसी रीजन के बात बंद, और मैं यही सोच रहा हूं, और यही सोचते सोचते 2 महीने निकल गए। और मेरे मन में बस एक ही सवाल था, मैंने किया क्या, कभी किसी ने घोस्ट किया है इतना बुरा कि लाइफ में कोई आता है, अपना बनाता है और बिना बाय बोले ही चला भी जाता है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे, मतलब होता नहीं, इतना सारा दर्द भर गया था कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि इसका करूं क्या, मैं किससे पूछूं, किससे जाके पूछूं। तो मैंने क्या किया, उस सिचुएशन पे ना, मैं गाना भी लिखता हूं, तो उस सिचुएशन पे ना मैंने एक गाना लिखा था। अगर आप लोग बोलोगे तो थोड़ा सा सुना दूंगा। मतलब जो लड़की, मतलब मुझसे रात को बात करने के बाद ही सोती थी, अब वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, वो भी अचानक। तो उसमें मैंने गाना लिखा, कितनी बातें होती थी वो थक कर मुझ पे सोती थी, कितनी बातें होती थी वो थक कर मुझ पे सोती थी, क्या गिला हुआ तुम्हें, क्यों जाना पड़ा बिन कहे, मैं ढूंढ रहा मेरी गलती क्या, इतना तो बता देना था मुझे। जाने क्यों बातें रुक गई, रातें रुक गई, बिन तेरे तो लगे सांसें रुक गई, बातें रुक गई रातें रुक गई, बिन तेरे तो लगे सांसें रुक गई। बहुत टाइम बाद समझ में आया कि वो रिया नाम का ख्वाब था, टूट गया। आर्किटेक्चर पढ़ रही थी वो, जोड़ने की जगह तोड़कर चली गई दिल। फिर थोड़े टाइम बाद ना मैं भूल गया उसको, होता है तो मूव ऑन कर जाते हो, मैं भूल गया उसको। पर फिर अभी कुछ दिन ही पहले ना उसका मैसेज आया मेरे पास, हाय, वो भी हाय में डबल आए, पर इस बार मैंने हे लिखकर नहीं भेजा। और मुझे पता नहीं उस वक्त बहुत ही एक अलग खुशी वाली फीलिंग हुई, शायद क्लोजर मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच।